गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अकेडमी यूजीस नेट। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अदिति है और आप सभी लोगों के लिए रोज सुबह 7 बजे लेके आते हैं गाइस एक इम्पॉर्टेंट सेशन ऑन करंट अफेयर्स। आज भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन लेके आई हूँ, तो एक बार जल्दी से मुझे अपना ए भी चेक कराइए और बताइए कि क्या सब कुछ एकदम क्लियर है, तो हम लोग अपना सेशन शुरू कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग रूबी, गुड मॉर्निंग अवनी, आयुषी, प्रियंका, पूजा। भाई वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है तो बता दीजिए गाइस। चलिए ऑल क्लियर, चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ करंट अफेयर के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि ये पीपल एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन और डिजिटल इनिशिएटिव्स, ये तीनों ही आप लोगों के एग्जाम के एक इम्पॉर्टेंट डोमेन है गाइस। अगर आप लोगों ने सिलेबस को ध्यान से देखा है तो यहाँ से आप लोगों के डेफिनेटली करंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरा नाम अदिति शर्मा है। अगर आप इस चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं या अनअकैडमी लर्निंग ऐप से अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए गाइस, क्योंकि वहां पर आप लोगों की एक शानदार तैयारी जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने अपना पेपर वन का कोर्स करवा भी दिया है और साथ ही साथ अब रिविजन जो है हम लोग कर रहे हैं, वहाँ भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी जितने भी एजुकेटर्स हैं सबके मॉक टेस्ट जो है वो अब स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने अपना JRF अपने पेपर टू कंप्यूटर साइंस से निकाला है और कंप्यूटर साइंस जो है उसका कोर्स अभी भी लाइव चल रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके तुरंत बाद मैं आप लोगों के लिए कोर्स लेके आने वाली हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मिक्स, और एल्गोरिथम्स की क्लासेस भी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाली हूँ, है ना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब आप लोगों को मिल जाए। सो जैसा मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, एक नोशन है, एक थॉट है जिस पर काम कर रहे हैं हम लोग, जिस पर मैं काम कर रही हूँ स्पेशली, वो है इंडियन लर्निंग सिस्टम, है ना। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अगर आप लोग मेरे थॉट प्रोसेस से अलाइन करते हैं, आपको पढ़ना पसंद है, तो यूज़ करिए अदिति 10 रेफरल कोड और ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गाइस। ये मेरा पूरा टाइम टेबल है कब कौन सी क्लासेस होती है। आज की जो स्पेशल क्लास है जो कि 8 बजे होती है सुबह, उसमें मैं आप लोगों को इनोवेशन एंड इवैल्यूएशन सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आप लोगों को टॉप 10 टॉपिक्स लिखवाए थे और उन टॉप 10 टॉपिक्स के वीडियोस जो है वो मैं आप लगातार आप लोगों के लिए बना रही हूँ। आज सुबह 8 बजे इसी की आप लोगों की क्लास लगाई है और रात को 8 बजे, जैसा आप लोग जानते हो, कल भी हमारा एक मॉक टेस्ट हुआ था फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे एक मॉक टेस्ट आप लोगों का वहां पर भी होने वाला है और आज के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होंगे। टाइमर के साथ मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगी कि जैसे अनअकैडमी में पोल होता है वैसे हम लोग टाइमर लगा के यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। प्लस क्लास आपकी रेगुलर चल रही है, अगर आप लोगों ने अभी तक प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिए। ये मेरा प्रोफाइल अनअकैडमी पर, उसे फॉलो करेंगे, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, ताकि आप लोगों को सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल सके। प्राइस आपके सामने है, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा रेफरल कोड का यूज़ करके। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, प्लस और आइकॉनिक के भरपूर बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे गाइज। इस वक्त अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेस आ चुके हैं गाइज, देख सकते हो आप लोग, मिक्स बैच भी आ चुका है, इंटीग्रेटेड बैचेस, जिसमें आपको पेपर वन और पेपर टू के मिक्स क्लासेस भी मिल जाएंगी, है ना। तो आप लोगों के लिए अभी बहुत शानदार तैयारी ऑलरेडी बिगिन हो चुकी है, अब लेट करने का टाइम नहीं है गाइज, क्योंकि हार्डली 24 डेज आप लोगों के बचे हैं, राइट। कल आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस कराए थे मैंने, जैसा आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, कल हम लोगों ने इसरो की बात करी थी, हम लोगों ने ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की बात करी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन लेके आता है इसकी बात करी थी, IBRD क्या होता है, ठीक है ना, नेट हेल्थ के बारे में बात करी थी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी कौन से रिस्ट्रिक्शन है जिन्हें एक्सटेंड किया है, इनकी हम लोगों ने बात करी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए एक न्यूक्लियर मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताइए मुझे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। शाहीन 1A, अ न्यूक्लियर केपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय विच कंट्री। और वीडियो को सभी लोग अब शेयर कर दें जल्दी से, है ना।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. बताइए, शाहीन वन एक न्यूक्लियर केपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है गाइस, किसने की है और शाहीन नाम से हमें क्या याद आता है? ऑफ कोर्स गाइस, शाहीन जो है वो किसकी है? पाकिस्तान की ही है. तो इजी सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं था इसको. शाहीन जो है वो एक सक्सेसफुली टेस्ट फायर न्यूक्लियर केपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है. अगर हम लोग बात करें गाइस, तो इसकी रेंज 900 किलोमीटर्स तक है ना. ये जो मिसाइल है ये रीवैलिडेटिंग वेरियस डिजाइन्स और टेक्निकल पैरामीटर्स को ध्यान में रख के वेपन सिस्टम को एक एडवांस नेविगेशन सिस्टम के साथ में इंक्लूड करके बनाई गई है, जो कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम के साथ में जो है वो एक एक्यूरेट मिसाइल सिस्टम को प्रोपोगेट कर रही है. तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है गाइज सी. वैसे भी शाहीन नाम से आपको याद रखनी है. बात आप लोगों से आ जाती है कि किस किस के जॉइंट वेंचर से इसे बनाया गया है. तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि नेस्कॉम जो क्या है, आप लोगों का एक जॉइंट वेंचर है नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स के साथ में, नेस्कॉम ने मिलके इसे बनाया है. तो आप लोगों से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, राइट? पाकिस्तान के बारे में आप लोग जानते ही हैं, शाहीन नाम से पाकिस्तान को याद रखना है. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट के डोमेन का है, और इसी टाइप का सेम क्वेश्चन तो नहीं आ सकता ऑफ कोर्स, बट प्रैक्टिकली इसी डोमेन का जो आप लोगों का क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर में हर बार पूछे जाते हैं, है ना. IUCN रेड लिस्ट को लेकर जो आप लोगों के क्वेश्चंस है वो हर बार पूछे जाते हैं. IUCN रेड लिस्ट, IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. इसकी रेड लिस्ट के अंदर गाइस आपको बताना है कि कौन से स्पीशी है जिसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड के नाम से जाना गया है. इंडियन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट, बोर्नियो एलिफेंट या फिर अफ्रीकन एलिफेंट, है ना. और कल से मैं गाइस आप लोगों के लिए जरूर रिवीजन पर्पस के बिहाफ पे जो लास्ट ईयर करंट अफेयर ब्रह्मास्त्र हमारा चला था वो भी मैं आप लोगों से जरूर डिस्कस करने वाली हूँ, है ना. उसके भी कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चंस काफी ज्यादा सिमिलर आए थे वहां से, राइट. तो इसको भी हम लोग करंट अफेयर ब्रह्मास्त्र के नाम से ही चलाएंगे. तो एक ब्रह्मास्त्र सुबह 7 बजे, एक रात को 8 बजे, सो दैट आप लोग एग्जाम में हम लोग बढ़िया तैयारी कर सकें. और करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है और बाकी लोगों ने मुझे लिख नहीं रहा है कि सही आंसर दिया है. करेक्ट आंसर इसका अफ्रीकन होने वाला है, है ना. मैथ्यूज, वेरी गुड. अभी देखा रिसेंटली मैंने, इनने बिल्कुल सही आंसर दिया है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी. अफ्रीकन एलिफेंट जो है गाइज, उसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी के तौर पर IUCN ने लिस्ट डाउन कर दिया है, है ना. पहले ये जो आप लोगों की IUCN की रेड लिस्ट थी ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज, ऑफकोर्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर आती है. तो यहाँ पर जो आप लोगों का सावना एलिफेंट है, और ये भी आप लोग जानते हो कि सावना कहाँ से है, अफ्रीकन, राइट. इनको अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाला है और अफ्रीकन सावना जो है उसको एंडेंजर्ड में डाल दिया गया है ना. दोनों ही चीजें हमको पता होनी चाहिए. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ये दो स्पीशीज जो है इनको हम अलग अलग तरीके से एसेस कर रहे हैं, या फिर IUCN ने अलग अलग लिस्ट में इनको कैटेगरी दी है. ओके, पहले अगर हम लोग बात करें तो IUCN ने इस स्पीशी को वल्नरेबल बोला था, बट अब जो है इसे किस में डाल दिया गाइस, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी के अंदर डाल दिया है. अराउंड 86% जो आप लोगों के अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स हैं वो पिछले 31 साल के अंदर गाइस मर गए हैं, या फिर बेसिकली अब वो नहीं है, उनका प्रेजेंस वहां पर नहीं देखा जा रहा है. ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ द अफ्रीकन सावना एलिफेंट्स डिक्रीज्ड बाय एटलीस्ट 60%. तो ये बहुत कमी है जो यहाँ पर देखी जा रही है ना. देख सकते हैं राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यही है गाइस अफ्रीकन एलिफेंट. सोते भी ये बहुत कम है और काफी काफी डिफरेंट होते हैं ये, है ना. साइंटिफिक नेम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना. शायद 3-4 घंटे की नींद होती है इनकी, है ना, डिस्कवरी पे अगर आप लोगों ने देखा हो तो. अबाउट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के फुल फॉर्म तो इम्पोर्टेंट है ही. फाउंडर देखिए गाइस, फाउंडर कौन है, जूलियन ह्यूलेट,
ठीक है ना। 1948 के अंदर अक्टूबर 5 में इसे बनाया गया था। अभी जो करंट सीईओ है वो कौन है? ब्रूनो ओबरेली। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है गाइस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेडक्वार्टर्स इसका है ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which city has bagged 3 awards in different categories at 2021 International Exhibition and 6th Smart City India Expo? देखो अब फिर वही बात, जिस पढ़ने आए हैं पढ़िए आराम से। वेरी गुड अक्षिता जी, थैंक यू सो मच। अब वही बात है कि आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, जब आपको सब कुछ पता है तो क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? आराम से पढ़िए और जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ने दीजिए। Which city has bagged 3 awards in different categories at 2021 International Exhibition and 6th Smart City India Expo? पुणे, हैदराबाद, मुंबई या फिर गांधीनगर गाइस? और यहाँ पर क्या होने वाला है आंसर? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका होने वाला है गाइस हैदराबाद, है ना? हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर। हैदराबाद ने 3 अवार्ड्स लिए हैं यहाँ पर गाइस, जो कि अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है ना। इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, उन्होंने यहाँ पर ये अवार्ड्स देने का डिसीजन लिया है गाइस। और ग्रीन और क्लीन सिटी कैटेगरी के अंदर रानी गार्डन, जो कि HMDA अंडरनीथ बनाया गया है, किसके? बैगमपट फ्लाईओवर, इन्हें भी अवार्ड दिया गया है। साथ ही स्मार्ट डिस्पोजल प्रोजेक्ट जो गया है, स्मार्ट वेस्ट डिस्पोजल प्रोजेक्ट कैटेगरी, उसमें भी अवार्ड दिया गया है हैदराबाद को, है ना। और अगर आप लोगों को याद हो तो ये एक इंपॉर्टेंट डोमेन होता है पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट के अंदर, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, दैट इज MSWM प्रोजेक्ट। इस कैटेगरी के अंदर भी अवार्ड जो है वो हैदराबाद को ही दिया गया है गाइस। न्यू दिल्ली के अंदर हो रहा है, कौन कराता है? इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कराती है। किसके अंदर आते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुझे जितना पता था मैं बता चुकी हूँ, अब मुझे भी इतना ही पता है गाइस, जितना आपको पता है मुझे भी उतना ही पता है ना। अभी आ जाएंगे, 2-3 दिन की छुट्टी पे गए हैं सर, वापस आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। द स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप फॉर यूथ ऑफ विच कंट्री हैज बीन अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी? अब मैसेज नहीं आना चाहिए, है ना? ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। और आपका क्या मतलब है इससे कि यार छुट्टी नहीं ले सकते सर 2 दिन की? चलिए, द स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप फॉर यूथ ऑफ विच कंट्री हैज बीन अनाउंस्ड? श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव या फिर आप लोगों का नेपाल? देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं गाइस, उन्होंने स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप दी है किसको? हमारी नेबर कंट्री बांग्लादेश को, ठीक है। बांग्लादेश के लिए ऑलरेडी हमारा देश बहुत काम कर रहा है, और अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, बांग्लादेश को स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप दी है वहां के यूथ को, ठीक है। स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप होती क्या है गाइस? एक तरीके की फेलोशिप अमाउंट है, फेलोशिप अवार्ड है जो दिया जाता है, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंडर आता है, ठीक है।
तो ये फेलोशिप गिवन होता है उन यंग साइंटिस्ट को जो कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन या फिर फिजिक्स के डिपार्टमेंट के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। अराउंड 50 साल जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रहा है हमारे में और बांग्लादेश के बीच में, तो यही सारी चीजें हैं जिसमें बांग्लादेश को हम सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी बाकी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो विजिट करते हैं इंडिया को, स्टार्टअप इनिशिएटिव्स के अंदर आते हैं, है ना, इंडियन वेंचर्स के अंदर अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से स्वर्णा जयंती फेलोशिप, ये आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जा सकता है गाइस कि स्वर्णा जयंती फेलोशिप अमाउंट जो है वो कौन देता है, किसके द्वारा दी जाती है, किसको दी जाती है। उसके साथ साथ उन्होंने अपना जो पर्सनल स्ट्रगल रहा था मोदी जी का, वो भी उन्होंने यहाँ पर बताया था, राइट। और ये पहला मूवमेंट था जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर आप जानते हैं कौन है, शेख हसीना है। कैपिटल ढाका है, बांग्लादेशी टाका ये इसकी करेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गाइस, जल्दी से मुझे बताइए। हिस्ट्री ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ रही हूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, उन्होंने अभी रिसेंटली छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर ये डेवलप किया स्वदेशी दर्शन स्कीम के अंदर, कौन से सिटी के अंदर किया गया है ये। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इनॉगरेटेड छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर डेवलप्ड अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम इन विच कंट्री। खुजराव, सूरत, ओरका या फिर ग्वालियर। देखो मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, ए बी सी सब मिक्स कर रहे हैं। देखो करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है, जो आपके यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है फॉर टूरिज्म एंड कल्चर, अभी मिनिस्टर कौन है यहाँ पर, मिनिस्टर है गाइस प्रहलाद सिंह पटेल जी, और चीफ मिनिस्टर जो है एमपी के कौन, शिवराज सिंह चौहान जी। उन दोनों ने मिलके ये स्कीम जो है वो लगाई है गाइस खुजराहो में। अगर आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी होती तो मैंने बोला भी था कि हिस्ट्री ओरिएंटेड एक क्वेश्चन है, और यहाँ पर खुजराहो की एक ग्रेट हिस्ट्री है जिसी को एक्सप्लोर करने के लिए ये स्कीम यहाँ पर लगाई गई है। बुंदेलखंड किंग जो थे महाराजा छत्रसाल, उन्हीं के नाम पर गाइज इस कन्वेंशन को हम लोगों ने लगाया है, और इट हैज बीन बेसिकली बिल्ड अराउंड अ कॉस्ट ऑफ 51 करोड़ प्लस, साथ ही साथ इसके अंदर 43 लाख स्वदेश दर्शन स्कीम के जो भी पार्टिसिपेंट है वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो इट्स अ ग्रेट स्कीम, और खुजराहो एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन है गाइज जिसके तौर पर इसे एस्टैब्लिश करने की ये कन्वेंशन लगाया गया है। बुंदेलखंड रीजन कहाँ पर था ये भी आप जानते हैं, और वहां के जो लेजेंडरी महाराजा थे छत्रसाल जिनका नाम था, उन्हीं के नाम पर इस कन्वेंशन को लगाया गया है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मध्य प्रदेश के बारे में जो आप लोगों से पूछी जा सकती है। स्पेशली मैं राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोगों से पूछा जाता है। कैपिटल तो सबको पता है क्या है भाई, इसकी भोपाल कैपिटल है। ध्यान रखेंगे गाइज एम्बलम कभी कभी पूछ लेता है ना, आप लोगों से डांस के बारे में पूछ लेगा, राइट। तो ये विकिपीडिया से ही मैंने लिया है, सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ मैंने आपको सारी स्पीशी भी बताई है, फ्लोरा एंड फौना से भी क्वेश्चंस आप लोगों के बन जाते हैं, है ना। वेरी गुड ज्योति जी, खुजराहो का कौन सा टेम्पल बहुत फेमस है, आप सब जानते हैं महादेव टेम्पल जो सबसे फेमस है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्रजा प्रहार ये क्या है गाइस, ये एक तरीके की एक्सरसाइज है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज है जो स्पेशल फोर्सेस के द्वारा की जाती है इंडिया के और यूएस के। कहां पर कौन से स्टेट के अंदर हो रही है ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू या फिर महाराष्ट्र, कहां पर हो रही है, सिर्फ इतना सा पूछा जा रहा है। व्रजा प्रहार कभी कभी ना क्या होता है, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लगाए ना, तो आप लोगों से इधर मिलिट्री एक्सरसाइज जो डिफेंस एक्सरसाइजेस होती है आप लोगों की, और यहाँ पर आप लोगों से स्टेट पूछ लिया जाता है कि अभी रिसेंटली ये कौन से स्टेट के अंदर हुई है या किस किस के बीच में होती है ना। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के डोमेन होते हैं। तो किसके बीच में हो रही गाइस, देखो जो आप लोगों के यूएस है और आप लोगों का इंडिया है ना, मतलब हम लोगों का इंडिया, यूएस और इंडिया के बीच में ये हो का रहा है बालोक, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो है एक्सरसाइज की जा रही है जिसका नाम है गाइस व्रजा प्रहार, ठीक है ना। इंटरऑपरेबिलिटी के द्वारा या फिर उसको प्रमोट करने के लिए, एनहेंस करने के लिए इसे बनाया जा रहा है।
ठीक है, 11th एडिशन है ये प्रजा प्रहार का, जो कि बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने के लिए बनाया जा रहा है, और जॉइंट मिशन को भी प्लान किया जाएगा, ऑपरेशनल टैक्टिक्स को भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्रमोट करने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं, बस इतना आप लोगों को पता होना चाहिए व्रजा प्रहार किसके बीच में होती है, कहाँ पर अभी रिसेंटली हुई है, बस इतना पता होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा, अगर नहीं लिख रहे हो तो इस क्वेश्चन को तो जरूर लिख लेना। अभी रिसेंटली हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके अंडर आती है, रमेश पोखरियाल निशांक जी के अंडर आती है। उन्होंने अभी रिसेंटली गाइज इनॉग्रेट किया था हैप्पीनेस सेंटर, कहां पर किया था जल्दी से बताओ, और ये क्यों किया था ये भी आप जानते हो, कोविड टाइम के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या रहे थे, कितने डिप्रेस रहे थे, और ये सारी चीजों को देखते हुए हैप्पीनेस सेंटर जो है वो बनाया गया, कहां पर बनाए हैं, IIM बैंगलोर में, IIM अहमदाबाद के अंदर, IIM कैलकटा के अंदर, या फिर IIM जम्मू, बताइए जल्दी से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ये बनाया गया है, बैंगलोर, अहमदाबाद, कैलकटा या फिर जम्मू। तो देखिए गाइस करेक्ट आंसर इसका होने वाला है IIM जम्मू, और इसे कहाँ लॉन्च, आई मीन कैसे लॉन्च किया गया, वर्चुअली, इसे भी वर्चुअली लॉन्च किया गया है, निशांक जी वहां पर गए नहीं थे, है ना। तो जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशांक जी, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया IIM जम्मू के अंदर वर्चुअली, ठीक है ना। अंडमान द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस अलाइंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि होलिस्टिक वेलबींग के तौर पर प्रमोट की जा रही है। आप भी जानते हैं गाइस जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी राइट, उसमें सब तरीके से ओवरऑल एनवायरमेंट और हेल्थ वेलबींग के बारे में बहुत सारी बातें की गई थी एक बच्चे, क्योंकि हम हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि अगर एक बच्चे का मेंटल पीस है, उसकी हेल्थ अच्छी है, तो वो हमेशा से अच्छा सीखेगा, और जितना अच्छा उसका आसपास का विसिनिटी रहेगी, उसकी हेल्थ रहेगी, जो नई नई चीजें वो देखेगा, सीखेगा, एक्सप्लोर करेगा, है ना, वही उसके लिए सक्सेसफुल रहने वाली है। तो यहाँ पर ये हैप्पीनेस सेंटर भी इसी तौर पर बनाया गया है, कोविड टाइम के अंदर चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तैयारी करने वाले, प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हों, या कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, सारे के सारे स्टूडेंट्स ही थोड़े डिप्रेस हो गए थे गाइस। देखो शुरू शुरू में तो हमको छुट्टी बहुत अच्छी लगती है, भाई किस किस कौन कौन होगा, जिसके छोटे भाई बहन हैं या कजन वगैरह हैं, उनको देखकर बहुत मजा आ रहा होगा कि यार छुट्टी हो गई है ना। शुरू के 10 दिन तो बहुत अच्छा लगता है जब स्कूल से छुट्टी मिल जाती है, कॉलेज से छुट्टी मिल जाती है, पर उसके बाद हम लोग मिस करने लगते हैं वो चीजें, क्योंकि एक बच्चे के लिए सबसे बेस्ट एनवायरमेंट क्या होता है, वो जहाँ पर वो कुछ सीखने जाता है ना, अपनी फैमिली से हटके, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ट्यूशन सेंटर्स हो गए आप लोगों के, है ना, इसीलिए तो ट्यूशन का इतना चलन है हमारे देश के अंदर। तो उसे देखते हुए, उस डिप्रेशन को देखते हुए ऐसा चीज जो है यहाँ पर बनाई गई है। न्यू एजुकेशन जो हमारी पॉलिसी है उसमें भी ये लिखा गया है, एक क्रूशियल स्टेप है गाइस टुवर्ड्स एम्पावरिंग द नेशन। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जम्मू के बारे में अगर बात करें, 2016 के अंदर ये खुला है गाइस, अभी चेयरपर्सन जो है इसके मिलिंद प्रहलाद कांबले जी है, और डायरेक्टर कौन है, BS शाह है। ठीक है, इतना नहीं पूछेगा, बस हाँ ये पूछ लेगा आप लोगों से कि हैप्पीनेस सेंटर अभी कहाँ गया था, राइट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से गाइज, एक क्वेश्चन आया है जो मुझे नहीं लगता कि UGC नेट पे इतना इम्पोर्टेंट है, बट बाकी एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अभी रिसेंटली पहले का सब भूल गए, हाँ ये भी हो सकता है। अभी फ्रेंच नेवल शिप है गाइज, है ना, टॉर्नरे और सरकॉफ, ये कौन से पोर्ट पे आए हैं और क्या है ऐसा इसके अंदर, चलिए गाइस वीडियो को आप फटाफट से एक शेयर हो जाना चाहिए भाई, जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, करंट अफेयर है, हर एग्जाम में आता है, और ये आप लोगों के वेलबींग के लिए ही लगाती हूँ, पूरा दिन पेपर 1 पेपर 2 पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हो, 20-25 मिनट निकालिए अपने टाइम और जरूर इन वीडियो को देखा करो, एक अच्छे माइंड से आप लोगों का दिन शुरू होना जरूरी होता है ना। कहां पर आए हैं, कांदला पोर्ट, कोची, नवाशेवा या फिर मारमेगो। तो देखो गाइस अभी ये जो फ्रेंच शिप्स हैं आप लोगों के, ये गुडविल विजिट के तौर पर आए हैं, और कहां पर आए हैं, कोची पोर्ट पे आए हैं।
है ना, कोची पोर्ट पर ये आए हैं। इनको रिसीव किया हमारे जितने भी सीनियर नेवल अथॉरिटीज हैं और इन सब ने इनको काफी अच्छे से इनॉग्रेशन इनका इनॉग्रेशन क्या बोल रही हूँ वेलकम इनका बहुत अच्छे से किया गया है। ठीक है, वही हमारा जो नेवल बैंड है उसने बहुत अच्छे से फैनफेयर किया, गुडविल के तौर पर आए हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंच फ्रांस और इंडिया, इनके रिलेशनशिप तो हम लोग अच्छे से जानते ही हैं, है ना, काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप माने जाते हैं। इफ वी टॉक अबाउट ऑल द इक्विपमेंट्स, जितने भी डिजाइन हैं, जितने भी हम लोग एयरक्राफ्ट पोर्ट करते हैं, तो ये सारे के सारे चीजों को लेकर काफी अच्छे हैं रिलेशनशिप यहाँ पर। मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर अच्छी पार्टनरशिप है जो फ्रांस और इंडिया के बीच में बन रही है, तो उसी के तौर पर क्या बना रहा है, गुडविल विजिट के तौर पर यहाँ पर ये आए हैं। चल, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट जस्ट एज अ स्टूडेंट बट ऑल्सो एज अ ह्यूमन बींग, एज एन इंडियन। जी बिल्कुल, हरेराम यादव जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, सभी लोग लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आपको ऐसे लगता है कि मुझे कोई फायदा होता है, इससे तो कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है। वो बच्चे जिन तक रीच नहीं हो पाती है डायरेक्टली वीडियो की, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर के वीडियोज होते हैं, उन तक शायद एक स्कोप मिल जाता है मुझे पहुँचने का, क्योंकि काम वही है, उसी के लिए यहाँ पर मैं बैठी हूँ कि मैं उस बच्चे तक पहुँच सकूँ जिसके पास में कोई रिसोर्स नहीं है। करंट अफेयर का ऐसा नहीं होता है, जैसे देखो वरुण आप क्या बोल रहे हो कि करंट अफेयर कैसे करेंगे, कि करंट अफेयर को कैसे याद रखेंगे या वो करेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ 20 से 25 मिनट अपने दिन के निकालिए और करंट अफेयर में जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको बस एक बार रीड करते रहिए, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि इनको आपको बैठ के रट लेना है, याद कर लेना है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एक वीडियो को, जैसे आपने ये वाला वीडियो देखा, अभी लाइव देख रहे हो, एक बार इसको रिकॉर्डेड देख लोगे बहुत है, जो भी सबकॉन्शियस माइंड में जाना होगा वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। कभी आप इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखोगे तो अपने आप टिक कर दोगे। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि इसके नोट्स बनाओ, इसको रट लो, है ना, ये पेपर वन या पेपर टू नहीं है। इसको आराम से 20-25 मिनट फ्री माइंड से देखा करो, और जितना फ्री माइंड से चीजें पढ़ोगे उतना जल्दी आप लोगों को समझ में आएगा और याद भी रहेगी वो चीजें, है ना। अभी 104 फीट टॉल फ्लैग है गाइस, जो कि बेसिकली होस्टिंग हुई है उसकी, हमारे नेशनल फ्लैग की। तो बताइए कौन से इंडियन स्टेट में हुई है, सिक्किम, यूपी, केरला, उड़ीसा, जल्दी से बताओ कहां पर हुई है। सबको पता है ये सिक्किम के अंदर हुई है, ये है ना, सिक्किम के अंदर हुई है, वेरी गुड। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन जल्दी से मुझे बताइएगा। आईसीटी मैथ्स और पूरा का पूरा पेपर वन, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, दोबारा बता देती हूं, पूरा का पूरा पेपर वन जो है आप लोगों को मैं दो क्लासेस में कन्वर्ट कर दी हूँ, एक 8 AM होती है और एक 8 PM होती है। तो 8 के नाम से आप याद ही रख लीजिए अदिति मैम को, सुबह 8 बजे आप लोगों की ये क्लास लेके आती हूँ मैं स्पेशल पे, ठीक है ना, और रात को 8 बजे लेके आती हूँ ब्रह्मास्त्र सीरीज यूट्यूब पे, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैंने पूरा का पूरा पेपर वन शुरू कर दिया है, क्योंकि बच्चे बोलते थे मैम बायस मत हो दो सब्जेक्ट को लेके, तो पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स है इसमें। 8 PM ब्रह्मास्त्र सीरीज, कल मॉक टेस्ट हुआ था, देख लेना रिकॉर्डेड, अगर नहीं देखा है आज आ जाइएगा रात को 8 बजे यूट्यूब पे, और सुबह 8 बजे इवैल्यूएशन सिस्टम पढ़ाऊंगी टीचिंग एप्टीट्यूड के, और नॉर्मल नहीं, इनोवेटेड जो इवैल्यूएशन सिस्टम जिससे नए क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में वो हम लोग पढ़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कितना परसेंटेज टैक्स कंसेशन प्रोवाइड किया है गाइस, प्रपोज किया है एक्चुअली, अभी तक तो न्यू व्हीकल्स जो भी होने वाले हैं उनके स्क्रैपेज सर्टिफिकेट के लिए 33%, 25, 15 या फिर 45। तो गाइस करेक्ट आंसर इसका होने वाला है 25%, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, नहीं 15 नहीं है, और अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो उसके लिए 15 है, हम आंसर लगाएंगे यहाँ पर 25%, ठीक है ना। तो 25% टैक्स कंसेशन है जो दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। आपने बोला था कि हिंदी में भी लेके आना सारा का सारा एक्सप्लेनेशन, तो हिंदी में भी लेके आए, ठीक है, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये किसने निकालते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड यही निकालती है आप लोगों की हाईवे, नितिन गडकरी जी हैं, राइट, जो अभी यहाँ के मिनिस्टर हैं।
चलिए गाइस, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल और कुछ क्वेश्चंस लेके आप लोगों के सामने आएंगे। बस इसी तरीके से आप और हम मिलके अगर मेहनत करते रहेंगे गाइस, तो तैयारी बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है, ये मेरा पूरा स्केड्यूल आप लोगों के सामने है। मैराथन आ चुकी है अब एमसीक्यू की और आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स की भी। ठीक है, तो अभी करंट अफेयर की क्लास हुई। अब जो है नेक्स्ट हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट हम जाएंगे 8 AM वाली क्लास में। इम्पल्स बैच आप लोगों का ज्वाइन करना है आपने। सुबह सुबह स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। क्लास को खोलने के लिए सिर्फ एक रेफरल कोड लगेगा, जहां पे इनवाइट कोड के तौर पर आप लगा देंगे अदिति 10। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र सीरीज जो है वो आप लोगों की रात को चल रही है, और जिन्होंने पेपर 2 कंप्लीट करना है, पेपर 1 कंप्लीटली मुझसे पढ़ना है, ऑलरेडी कोर्स कंप्लीटेड है, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन भी अगर आप ले रहे हो तो भी काम आपका हो जाएगा अगर आपको रिवाइज करना है। अदरवाइज मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि 12 महीने या 24 महीने का प्लान आपको लेना चाहिए। सबसे नॉमिनल भी है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, और साथ ही साथ अगर आइकॉनिक लेना है, यानी आप चाहते हो एक पर्सनल कोच के साथ में पढ़ना, तो आप लोगों के सामने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, जो कि मुझे लगता है अनअकैडमी का अब तक का बेस्ट सब्सक्रिप्शन है गाइस, है ना। और बहुत सारे बच्चे इसी से जुड़ रहे हैं, जो कि मैं बहुत खुश हूँ कि वो समझ रहे हैं इस चीज को। तो जैसा अनअकैडमी बोलती है गाइस, लेट्स क्रैक इट, बस वैसे ही लेट्स क्रैक इट के साथ में वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। आप लोगों के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेटेड लगता है। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ में